Yeah, I welcome to this second session of this cognitive development theory of Jean Piaget. मैं शायद ये नंबर डालना भूल गया, नंबर टू, ये हमारी क्लास का नंबर टू, या 21st डे, सेकंड सेशन को मैं सभी स्टूडेंट्स को खैर मुकदम करता हूँ. ये मेरी फ्री ऑनलाइन क्लास जो टेट की है, सी टेट की जो गाइडेंस की क्लास है. सो आई वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स. देन वी विल सी we are discussing Jean Piaget cognitive development theory. उसके तहत हम ये स्लाइड देख रहे थे जिसमें जिसमें जीन पियाजे के हम implications को देखें, जीन पियाजे का जो नजरिया है उसका implications देखें. And now we are going to discuss my written notes, जो मेरे written notes है उसको भी हम discuss करने जा रहे हैं. देखिए, तो मैं आपको बता दिया cognition क्या है, cognitive abilities क्या है, डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, और ये अडॉप्टेशन क्या है, अडॉप्टेशन क्या है, अडॉप्टेशन में क्या है. अडॉप्टेशन में तीन प्रोसेस है, तीन प्रोसेस जो असिमिलेशन, अकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम है. इसके मीनिंग में मैं समझा दिया आपको. थोड़ा सा डिटेल में समझाने के लिए मैं थोड़ा सा स्लाइड का हेल्प ले लेता हूँ. ये हमारी स्लाइड है, आप यहाँ देख सकते हैं. लोअर एबिलिटीज देखो, लोअर कॉग्निटिव एबिलिटी राइट ब्रेन में है और हायर कॉग्निटिव एबिलिटी लेफ्ट ब्रेन में है. और लोअर कॉग्निटिव एबिलिटी में क्या क्या है, सेंसेशन यानी आपके हवा से खमसा का इस्तेमाल करना, रिकॉल का मतलब बाज आफरीनी उसको रिमेम्बरिंग बोलते हैं, रिकॉग्निशन का मतलब एमसीक्यू सही जवाब को टिक करना, मेमोरी का मतलब है पुराने इन्फॉर्मेशन को उसके जहन में स्टोर करना, कोई इन्फॉर्मेशन को, ठीक है ना, उसको मेमोरी बोलते हैं. ये लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन का काम है. अगर लेफ्ट ब्रेन देखें, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज को अगर हम देखें उर्दू में, परसेप्शन का मतलब ख्याल है. पांच सेंसेस को यूज करके हम जो कोई चीज को समझते उसको परसेप्शन बोलते हैं. सेंसेशन बोल दो, हमारे सेंस ऑर्गन को यूज करना, वो सेंस ऑर्गन को यूज करके आप कोई चीज को समझ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, परसेप्शन बोलते हैं. परसेप्शन को उर्दू में क्या बोल रहे, तो ख्याल बोल रहे हैं. बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन. सेंसेशन बोले तो क्या है, बोलते आप कोई स्टिमुली, हाँ कोई स्टिमुली, कोई स्टिमुली को देख के आप रेस्पॉन्ड कर. मिसाल के तौर पर आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई चीज आती तो आप ऐसा हट जाते, ठीक है ना. तो क्या है, आप कौन सी चीज का इस्तेमाल करें, आंख का इस्तेमाल करें, सेंस ऑर्गन आई का इस्तेमाल करें. इस्तेमाल करके आपको कोई नुकसान होने वाला, एक्सीडेंट होने वाला है, बल्कि आप ऐसा एक्शन लिए, वो है परसेप्शन. समझ रहे हैं बात को, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड perception, perceiving something with the help of your sense organs, that is known as perception. समझना, ठीक है. Then thinking बोलो, सोचना, creativity बोलो, तख्लीक सलाहित, imagination बोलो, ख्याल या तस्वीर बोलो, तो receiving ना सर. हाँ, perceiving is nothing but receiving. Yeah, that's what I'm saying. You are receiving and you are what you are doing at the same time. You are comprehending that received information. समझ रहे हैं आप, रिसीव करे तो आप क्या कर सकते हो, उसको समझ सकते. सेंसेशन का मतलब क्या होता है, जस्ट आप सेंस कर रहे, देख रहे, देखना या टच करना, ठीक है ना. बट द इंफॉर्मेशन यू आर रिसीविंग विद द हेल्प ऑफ योर सेंस ऑर्गन एंड यू आर इंटरप्रेटिंग एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर कमिंग टू सम कंक्लूजन, that is known as perception, ठीक है ना. So imagination, ख्याल, reasoning, इस्तेज़लाली, logical thinking, मंतिक, सोच है, and knowing cause and effect relations and formulation of hypothesis, problem solving ability, मसले का हल. ये सारे चीज़ ना, जितने भी है, ये आला सतह की आपके क्या बोलते सो ज़हनी ये है आला सतह की ज़हनी सलाहियतें जितने भी हैं पूरे किधर रहते हैं, लेफ्ट ब्रेन में रहते हैं, नौ हैं तो भाई पूरे. और इसका मेन बेस क्या है, बल्कि बोले ना वाइगर्ट्स की क्या बोले, इसका बेस क्या है बोले, लैंग्वेज है बोले, नीचे लिखा हुआ लैंग्वेज. इसलिए इसलिए उन्होंने किताब लिखते, वो किताब का नाम क्या है बोलते, क्या है किताब का नाम, थर्ड एंड लैंग्वेज. डेवलपमेंट के माने क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के माने क्या है, कॉग्निशन बोलते वखूफी इधराक वकफियत बोलते. उसके बाद मैं आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या है समझा दिया, अडॉप्टेशन क्या है समझा दिया यहाँ पर, ठीक है ना. ऑर्गेनाइजेशन ये जो हमारे पास जो स्कीमा होता, जो हमारे पास जहनी खाका जो बनता, ये जेनेटिकल रीजन है इसके पीछे.
स्कीमा के पीछे क्या क्या रीजन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक अडाप्टेशन है। ऑर्गेनाइजेशन बोलते आप क्या करना, उसको मैनेज करना, तंजीम करना, और अडाप्टेशन बोलते मुताबिकत पैदा करना, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता, होता है जेनेटिकली होता है, जेनेटिकली जो जेनेटिकल एंड फिजिकल चेंजेस को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्सेस, मैं आपको कल वीडियो भेजा था, बच्चा हाथ ऐसे से कर रहा, रिफ्लेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। और एनवायरमेंट से लर्निंग जो हो रहा है आपको, इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट्स एंड एनवायरमेंट, दैट इज नोन एंड अडॉप्टेशन, दैट इज मुताबिकत है। माहौल के जरिए जो बच्चा कुछ सीख रहा, अशिया के जरिए कुछ सीख रहा, तो वो मुताबिकत है। और तवारुस की बुनियाद पर, जीन्स की बुनियाद पर उसके जिस्मानी में, जिस्म में कुछ तब्दीली आ रही है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, तंजीम बोल रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। बहुत डीप बात है, बहुत डेप्थ में समझा रहा हूँ मैं आपको, बहुत टाइम लगता है आपको समझने के लिए। आप, मैं जितना भी बोला उतना समझ के आप लिख के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। अडॉप्टेशन में तीन चीजें हैं, असिमुलेशन, अकॉम्पलेशन, क्लियर। असिमुलेशन होता है इंजेज़ाब के हमारे कहते हैं नया इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। पहली मरतबा बिल्ली को देखे, खत्म, वो क्या है बोलता, नया इन्फॉर्मेशन क्या है बोलता, असिमुलेशन। अकॉम्पलेशन बोलता उस चीज को आप जहन में रख लेना, रिहाइश बनाना, उसको अकॉम्पलेशन है। इक्विलिब्रियम बोलो, वो आप जो इन्फॉर्मेशन देखे उसको क्या करना, बैलेंस मेंटेन करना, तवाजुन मेंटेन करना, ठीक है ना। अगर आपके जहन में नई चीजों को पुरानी चीजों के साथ शामिल करना, शामिल करके सेट कर लेना उसको, अगर नए हो रहा हो तो डिसइक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो इस तरह से मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे यहाँ पर एग्जांपल्स दिया, पढ़ लो। और स्कीमा क्या है, स्कीमा के माने भी समझा दिया मैं। जीन पियाजे स्विस के एक साइकोलॉजिस्ट है, इनके नजरे में चार स्टेजेस है। 1896 में पैदा होते, उस वक्त वाइगार्ड्स के भी पैदा होते, ठीक है ना। चार स्टेजेस के नाम दे दिया मैं आपको, सेंसरी मोटर स्टेज, प्रियाप्लम स्टेज, कॉन्ट्रोडर्म स्टेज, फॉर्मल स्टेज। तो सेंसर मोटर ऑब्जर्वेशन स्टेज में कल एक सेवन पॉइंट में डिस्कस कर रहा था, चाइल्ड ट्रांसफर फ्रॉम रिफ्लेक्सिव ऑर्गेनिज्म टू रिफ्लेक्टिव ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज बोल के इंग्लिश में बोला था। आज उसको मैं तर्जुमा करके आपके सामने उर्दू में रखा, सही है। देखो इस मरहले में, इस मरहले के दौरान बच्चा इस्तरारी जानदार से अकाश जानदार में तब्दील होता। इस्तरारी जानदार होते बेचैनी से हाथ पैर ऐसा ऐसा करते था, वीडियो भेजा था ना आपको मैं, रिफ्लेक्स का, रिफ्लेक्स हाथ ऐसे करना, पैर ऐसे करना, मुंडी हिलाना, हाथ हिलाना, उसको रिफ्लेक्स बोलते हैं। जानदार चीज वो बेचैन रहती, धीरे धीरे क्या होता बोलते, वो बेचैनी खत्म होकर उन्हें क्या करता बोलते, अकासी पेश करता, रिफ्लेक्शंस शो करता विद द हेल्प ऑफ बॉडी मूवमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ वर्बल, रोता या तो मुस्कुराता, खुश हो, मुस्कुरा बोलते खुश हो रहा बोल सकता। नहीं तो पहले क्या कर रहा था उन्हें, पहले इस्तरारी सलाहित कैसी थी, उसकी खुशी में भी बेचैन था, रोने में भी बेचैन था, हाथ पैर यूं कर रहा था शुरू में, समझ रहे। धीरे 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 उन्हें क्या कर रहा बोलते, जाहिर कर रहा, अकासी पेश कर रहा, अपने तासरात बयान कर रहा। इस तरह से वो जानदार चीज इस तरह तब्दीली होती बोल के सेंसरी मोटर स्टेज में हम सीखे। और इसके बाद यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूँ, ये अब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आज जो क्लास में कितने हैं आज, किस्मत को 76 लकी फेलोस है, 76 लकी फेलोस। देखो एक एक स्टेज का मैं आपको कोड दे, कोड के जरिए से करूंगा। सेंसरी मोटर स्टेज में पेश आने वाले फीचर्स क्या क्या है, फर्स्ट हम क्या सीखे, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, उसको इस उर्दू में क्या बोल रहा है, इस्तरारी हम आहंगी बोलते हैं, इस्तरारी कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। ये जो रिफ्लेक्सेस है, हाथ पैर मुंह बेचैनी खिलाना, उसमें कोऑर्डिनेशन क्रिएट होता, कहा कौन से स्टेज में, सेंसरी मोटर स्टेज में, धीरे 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 कोऑर्डिनेट होता, ठीक है ना। कौन से ज़हनी नशोनुमा में बेजार करना, रिफ्लेक्शंस, ये रिफ्लेक्सेस जो है इसके, ये इस्तरारी जो सलाहियत है उनमें हम आहंगी पैदा होती, ठीक है ना। एक्चुअली आप क्या करो बोलते, ये नोट देखो, पहले आप क्या करो, ये नोट देखो, ये नोट्स में आप स्टेज वाइज जब देखेंगे, ये स्टेज वाइज सेंसरी मोटर स्टेज बर्थ टू 2 इयर्स कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, या क्या होता बोलते हो, शुरू के जो पहले माह, शुरू के पहले के जो 4 महीने रहते अनकोऑर्डिनेट रहते, वो जो रिफ्लेक्सेस जो होते, इस तरह जो हालत होती, वो उनमें हम आहंगी नहीं रहती। धीरे 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 जो जिस्म मजबूत होता, मेच्योरिटी आती रहती, तो कोऑर्डिनेशन स्टार्ट होता 4 महीने के बाद। वो भी कैसा होता बोलते, इट कन्वर्टेड इंटू सिंपल स्कीमास, छोटे 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 जहनी खाकों में तब्दील हो जाता, उसको हम क्या बोलते थे, कोऑर्डिनेशन रिफ्लेक्सेस बोलते। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी बोलते, ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी की जो खूबी है, इसको उर्दू में क्या बोल रहे हैं, तो मारूजी हादसा बोलते इसको, ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी। कौन से स्टेज में देखे जाती है खूबी बोलते, सेंसरी मोटर स्टेज में। ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी का मतलब क्या होता बोलते, बच्चा ग्रेजुअली क्या करता बोलते,
धीरे 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 एक रिलेशनशिप क्रिएट करता अपने आफाल, अपने आमाल और आफाल में, और बेरूनी जो दुनिया होती है एनवायरमेंट के साथ अपने एक्शंस को रिलेशन क्रिएट करता। उसको क्या बोलते हैं, बोलते ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी बोलते। अपने जो एक्शंस जो होते उसमें ही डेवलप्स रिलेशनशिप बिटवीन, ही लर्न दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देयर एक्शंस इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। यानी बच्चे ये समझ जाते कि हमारे जो आफाल है, हमारे जो अमाल है, हमारे जो एक्शंस है, इसका कुछ ना कुछ ताल्लुक किससे है, बेरूनी दुनिया से, बेरूनी माहौल से। अगर हम रोए तो कोई आके हमको देखे, हम कुछ ऐसा हंसे तो हमको कोई आके पप्पी लेते, उन बच्चों को समझ में आता। इसको ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी बोलते। कोई भी बुक में नहीं मिलता, कितने क्या पब्लिकेशन देखते, देख लो कहीं दिखा आपको वर्ड नहीं मिलता। कल इतने बार खिदमत खराब होते, कल आता। ऑब्जेक्टिफाइड क्लासिफ कैजुअलिटी का खसूसियत कौन से जीन पिया जी, कौन से क्या बोलते स्टेज में रहता, बोलते क्या टिक करना आपको, सेंसरी मोटर स्टेज। बच्चा झूले में रह के क्या कर रहा होता, उन्हें एक्शंस को क्रिएट करके सामने वालों को क्या कर रहा होता, रिलेशन क्रिएट कर रहा दुनिया से, बेरूनी दुनिया से, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी अशिया का बखा, कोई कोई शय का बखा होना, कब तक, 8 मंथ तक। कल बोल दिया, इससे पहले बोला मैं, अप टू 8 मंथ तक बच्चे को कोई नजर के सामने से कोई चीज चलेगी तो पूरे को चले गई समझता होगा। 8 महीने के बाद क्या डेवलप होता है उसको, अरे कोई चीज यहाँ से गई, अम्मी मेरे मेरे झूले के सामने से गए तो कहीं ना कहीं है, 8 महीने का फिर आते हैं, मतलब कहीं ना कहीं है उन्होंने, कम्प्लीटली गायब नहीं हुआ। उसको क्या बोलते हैं, बोलते व्हाट इज आउट ऑफ साइट इज प्योरली आउट ऑफ माइंड बोलते। उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस बोलते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या है, या पेंसिल से लिखा देखो, मैं मेरे हमारे सर पढ़ाते हो, ये भी क्या है बोलते, सिंपल स्कीमा है, एक सिंपल स्कीमा है, ये भी एक क्रिएट होता है, स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको। धीरे 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 क्या हो रहा है उसके साथ, 2 साल के अंदर क्या क्या डेवलप हो रहा है, स्कीमास क्रिएट हो रहे हैं उसके जहन में, ये पूरे स्कीमास डेवलप हो रहे हैं उसको सिंपल से। जब फोर्थ स्टेज में गया तो ये सिंपल स्कीमास किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, छोटे 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 स्कीमास बड़े बड़े हो जाते हैं वहां। उसको अब टीएलएम की जरूरत नहीं रहती उसको फोर्थ स्टेज में, ये काय छोटा झूले में है ना बच्चा, ठीक है ना। ग्रेजुअली बाय द एज ऑफ 8 मंथ्स द इन्फेंट डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। 8 महीने के बाद ऑब्जेक्ट परमानेंस आता। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट कौन से स्टेज में रहता, वो तो क्या टिक करना, सेंसरी मोटर स्टेज। कौन से महीने में, वो तो क्या करना, 8 महीने करना। कौन से महीने तक नहीं रहता, वो तो 8 महीने। कौन से महीने से शुरू होता, 8 महीने। डेफिनेटली नेक्स्ट इमिटेशन, नकल करने की सलाह भी बच्चे में बड़ा तरक्की होती है। बच्चा क्या इमिटेट करना शुरू करता, बोलते इन्फेंट में ट्राई टू इमिटेट द एक्शंस और फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ एन ओल्डर पर्सन। इसलिए बच्चों के सामने बार बार मियां बीवी दोनों ज्यादा नहीं ले लेना, लड़ ले तो उसके पास भी लड़ने की इजाजत होती है, उन्हें हाथ में पकड़े तो मुट्ठी को पकड़ के खिलौने को मार दा। वो कोसा नजरिया था अल्बर्ट बंडूरा का, ऑब्जर्वेशन लर्निंग, नकल करते बच्चे। तो कितने फीचर्स बता दिया मैं आपको, ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इमिटेशन और 4 चीजें सिखा दिया सर। ये 4 चीजों को कैसे याद रखना, कैसे याद रखना, उसके लिए मैं क्या करा बोलते, कोड बना दिया। क्या है जी कोड, देखो ऊपर कोड बनाए, ब्लू कलर में कोड, क्विंग, 4 लेटर्स को याद रख लो। सी बोले तो कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, ओ बोले तो ऑब्जेक्टिफाइड कैजुअलिटी, और सेकंड और ऑब्जेक्ट परमानेंस, आई बोले तो इमिटेशन। ये 4 फुटिया जबरदस्त है सर, बोल के ये सामने के बेंच वाला यू यू बोल रहा है, नहीं आ रहा क्या बात है, पहले बहुत आते थे भी नहीं आ रहे, कम आ रहे हैं सामने के उनके पहले ऐसा करते तो भय कर रहे हो। अच्छा है ना, सेंसरी मोटर स्टेज का क्या है, बोलते 4 फीचर्स है उसकी, कोड क्या है बोलते, क्विंग क्विंग, सी बोलते कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, ऑब्जेक्टिफाइड क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, इमिटेशन। उर्दू में बाजुक समझा दिया हमने, उर्दू में लिख दिया ना बाजुक, देख रहे हैं आप उर्दू में, इमिटेशन बोलते नकल, ऑब्जेक्ट परमानेंस, अशिया का बखा का तसव्वुर, सारी चीजें सिखा दिया। अब फिर सेकंड स्टेज के भी फीचर्स विद कोडिंग सिखाऊं या जरूरत नहीं है, बंद कर दो क्लास, सिखाइए सर, है हम लोग देखें, सिखाइए सर। 75 है, 75 लोग हैं।
अब देखो ये सेकंड स्टेज का नाम क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या क्या है, दो स्टेजेस होते हैं इसमें, ए एंड बी। एक है प्री कॉन्सेप्चुअल फेज बोलते हैं, सेकंड इंट्यूटिव फेज बोलते हैं। प्री कॉन्सेप्चुअल फेज बोलते हैं 2 साल से लेके 7 साल तक, और उसके बाद का जो पीरियड है उसको क्या कर रहे हैं, मतलब हम इंट्यूटिव फेज बोल रहे हैं उसको, 4 साल से लेके 7 साल तक। प्री कॉन्सेप्चुअल फेज, इसको प्री कॉन्सेप्चुअल फेज को उर्दू में क्या बोल रहे हैं हम, उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज को हम उर्दू में क्या बोल रहे हैं बोलते हैं, यहाँ दे देता हूँ आपको स्टेज पे, यहाँ आपके स्लाइड पे देख लो। प्री कॉन्सेप्चुअल फेज को इब्तदाई तसव्वुरात का दौर बोलते हैं इसको, 2 साल से लेके 4 साल तक। इन टिश्यू स्टेज फेज बोले तो क्या बोलते हैं, वजदानी मजहर बोलते हैं इसको। अम्मा ये हमको नहीं समझ में आ रहा साहब, ये मजहर अजहर क्या है बोलते, छोड़ दो इंग्लिश को फॉलो करो। अब भाई फिर क्या करेंगे, मेरा तजुर्बा है, ये बड़े बड़े किताबें देख के लिखा हूँ मैं, वो तलत अजीज की बुक है मेरे पास बॉम्बे की, बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के, तलत अजीज बोल के एनसीएफ के मेंबर है। हाँ तलत अजीज की बुक है मेरे पास, कभी वक्त मिला तो बोलो दिखा दो, है मेरे पास मटेरियल में, ठीक है ना। तो देखो प्री कॉन्सेप्चुअल फेज में चार खूबियां रहते क्या क्या रहते चार खूबियां प्री कॉन्सेप्चुअल में। एक बच्चा देखो सबसे पहले सिंबॉलिक प्ले करता, सिंबॉलिक प्ले बोलते प्ले भी बोलते हैं, यहाँ क्या करता बच्चा, सिंबॉलिक प्ले का मतलब क्या है बोले तो, कल बोला था मैं आपको क्या है, वो लोग एक रियल ऑब्जेक्ट के बजाय क्या करते हैं, एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट रखते हैं, इनको क्या समझते हैं, गन डिशों में मार रहा हूँ, तुम गोली लग कर मर रहे, ये बंदों का ये चेयर है, ये कुर्सी, कुर्सी पे बैठ कर कार चला रहा हूँ, भुर भुर के चलाते, उसको सिंबॉलिक प्ले कौन से स्टेज में पेश आ रहा है, 2 to 7 years राइट। और पापा चला सर का मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, चलाता कार पे बैठ कुर्सी पे बैठ के बच्चा, सोफे पे बैठ के बच्चा, समझ रहे हैं बात। वो प्लेट में रोटी रहती, प्लेट को पकड़ के यूं फिर आता, ये मैं कार चला रहा हूँ, इनके मम्मी मारते चल रोटी है रोटी खा तुम, नहीं मैं कार चला रही हूँ, मेरे बच्चे यहाँ से आकर गौर करे आप कभी। जी सर आज टीचर का नकल, आज हमारे स्कूल में मैं इत्तेफाक से पलट के देखे थे, थोड़े बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे दूसरे टीचर जो ज्यादा मारते हैं उनकी नकल कर रहा है, यूं 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 कर रहा हूं, अरे बोलते पूरे सैटरडे को पूरे भाग है। मैं बोला मैडम आपकी नकल कर रहे हैं, देखो बदमाशा है सर क्या करेंगे, बोल रहे क्या बेचारा नहीं देखे ज्यादा फैट है, उन्हें पलटे तक टाइम लगता है, उनको जिप बोल के मैं देख लिया तो होता कभी। देन ईगोसेंट्रिज्म एक खूबी है, मैं आपको बता दिया, उन्हें अपनी नजरिए के अलावा दूसरे नजरिए से नहीं देख सकता, एनिमिस्टिक थिंकिंग, बेजानदार चीज को नॉन लिविंग थिंग्स को क्या करता हूँ बोलता हूँ, जानदार चीज के साथ गुड़िया के साथ खेलना कूदना, ये एनिमिस्टिक थिंकिंग। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नाइदर इंडक्टिव नॉर डिडक्टिव, कल आ सकता आपको क्वेश्चन। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग नहीं बोले जमील सर बोले परेशान हो, ट्रांसडक्टिव थिंकिंग बोले तो ये इंडक्टिव भी नहीं है, डिडक्टिव थिंकिंग भी नहीं है, एक अजीब थिंकिंग है। हाँ फिर कोजी थिंकिंग है बोल के ना पीछे बेंच वाले पूछ रहे हैं सब, जब इंडक्टिव नहीं है डिडक्टिव नहीं है तो फिर कोजी थिंकिंग, अब लास्ट बेंच वाले ज्यादा डाउट आते हैं ना, इधर इधर ये खिड़की वाले इधर इधर की खिड़की वाले बहुत परेशान हो रहे। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग बोले तो क्या मतलब, नकली सोच को बोलते हैं, ठीक है ना, नकली। अभी कैसा याद रखना है, इसका कोड क्या है, इसका कोड है सीट, एस ई ए टी, कोजी सीट, आखिरी की सीट, आखिरी की बेंच के आखिरी सीट, खिड़की के बाजू वाली सीट, एस ई ए टी, एस बोलते सिंबॉलिक प्ले, ई बोलते इगोसेंट्रिज्म, ए बोलते एनिमिस्टिक थिंकिंग, टी बोलते ट्रांसडिडक्टिव थिंकिंग। ट्रांसडिडक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या है बोलते, नकली सोच, डुप्लीकेट थिंकिंग, क्लियर। उसके बाद है 4 to 7 years के स्टेज को क्या बोल रहे, इंट्यूशन स्टेज बोल रहे, इंट्यूशन स्टेज बोलते, यहाँ पर दो चीजें होते हैं, बच्चे के पास एक लैक ऑफ कंजर्वेशन रहता और लैक ऑफ रिवर्सिबल थिंकिंग रहती, मैं आपको ऑलरेडी क्लियरली बता दिया। लैक ऑफ कंजर्वेशन बोलते हो, ग्लास का एग्जांपल दिया मैं आपको, कोई किसी चीज की शय की हम शक्ल बदलने से उसकी खासियत नहीं बदलती, ठीक है ना, तो उसको लैक ऑफ कंजर्वेशन बोलते हैं। ये इंट्यूशन फेज में आता, डिटेल में गए तो ब्रॉडली अगर गए तो प्री ऑपरेशनल स्टेज, समझ रहे हैं बात, प्री ऑपरेशनल स्टेज 4 to 7 years में ये पेश आता, ठीक है ना। और लैक ऑफ रिवर्सिबल थिंकिंग बोले तो आप बच्चे को पूछो, तो उसको पूछो क्या बोल के बोले तो अब उन्हें उल्टा सोच के 1+2 = 1 जी सर, हां वो भी बोल सकते हैं, या नहीं तो आप उसको ये पूछो बच्चे को
आप एक चार साल के बच्चे को क्या बोलो बोले तो तुम्हारे को एक भाई है क्या पूछो, तुम्हारे को एक भाई है क्या बोलता, हमारे को एक भाई है बोलता, ठीक है ना। तो वो भाई का नाम क्या है बोलते, वो भाई का नाम रहीम है बोल के बोलते, ठीक है ना। तो रहीम को भी एक भाई है मालूम क्या बोले तो क्या बोलता हूँ ना, उन्हें उसके भाई के तरफ से नहीं देख सकता, इधर से देख सकता, मेरे को एक भाई है बोल के बोल सकता हूँ, रहीम को एक भाई है बोल के नहीं बोल सकता। दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ रिवर्सिबल थिंकिंग। मैं आपको नोट्स में भी बता दिया यहाँ पर लैक ऑफ रिवर्सिबल, देखो लैक ऑफ कंजर्वेशन का यहाँ एग्जाम्पल है, इसको लिखो आप ये नोट्स को एज इट इज लिखो। देखो लैक ऑफ रिवर्सिबल थिंकिंग 1+2 बोल सकता हूँ, 2+1 नहीं बोल सकते क्योंकि उसको नहीं सिखाया, कहीं को नहीं मालूम तो बोलता हूँ, टीचर नहीं सिखाया बोलता, ये क्लास नहीं भी बोलता हूँ, 1+2 की क्लास हुई, 1+2, 1+3, 1+4 सिखाए उनको, पूरा सिखाया, 2+1, 2+3 नहीं सिखाया भी इसको, वो अभी क्लास नहीं हुई, ठीक है ना। हाँ तो कोड क्या था इसका, प्रीऑपरेटिव स्टेज का, इंटीजर स्टेज में कोई कोड नहीं है, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है हमारे पास थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, इसमें इंडक्टिव रीजनिंग बोले तो, इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब बोलते चाइल्ड थिंग्स फ्रॉम कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। इंडक्टिव रीजनिंग का नाम क्या है बोलते, ठोस से मुजरिद की तरफ, ठोस से मुजरिद की तरफ, ऊटी को जाके शिमला को जाके आप क्या कर रहे हैं, मुझे एक तस्वीर खायम कर रहा है, उसको इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। रिवर्स ऑफ थॉट, यहाँ पर देखो रिवर्स ऑफ थॉट क्या हो रहा, वहां पर 1+2 बोला, 2+1 नहीं बोला, यहाँ क्या बोलता, 2+1 बोलता है, बोलता बोलता। तो थर्ड स्टेज का एक और एक लॉजिक दे रहा हूँ, एक टेक्निक दे रहा हूँ, स्टेज टू में जितने भी खामियां थे वो स्टेज थ्री में क्या हो जाते, तकमील हो जाते, पूरे खामियां यहाँ पर खूबियां बन जाती, वहां के जितने भी ओवरकमिंग्स है यहाँ पर, वहां के जितने भी शॉर्टकमिंग्स है यहाँ पर ओवरकम हो जाता, ठीक है, वहां के लैकिंग्स यहाँ के फीचर्स बन जाते, अंडरस्टूड। तो इस तरह से रिवर्स ऑफ थॉट्स आता है उसको, यानी बच्चा बैकवर्ड भी सोच सकता, फॉरवर्ड भी सोच सकता। तुम्हारे तुम्हारे को भाई है क्या है बोलता, हाई बोलता, तुम्हारे भाई को एक भाई है बोलता, उनको भी एक भाई है, मैं छू बोलता, इतना बोल सकता हूँ। वो रिवर्स ऑफ थॉट यहाँ पर क्या होता है, डेवलप हो जाता है। और यहाँ पर कंजर्वेशन की खूबी वहां नहीं थी, तो यहाँ कंजर्वेशन की खूबी क्या होती है, यहाँ पर थर्ड स्टेज अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। चाइल्ड डेवलप द एबिलिटी टू कंजर्व बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, कितने है भी बोलता, क्वांटिटी नहीं 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 ये भी उतना अच्छा है, ये भी उतना अच्छा है, तुम दोनों में से मेरे को कौन सा भी दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मर्जी आपकी, पहले छोटे को उसको दे दो, किसको दे दो, वो प्री ऑपरेशन स्टेज का मेरा जो छोटा भाई है जान रहीम उसको दे दो, उन्हें लेने के बाद जो बस्ता में वो ले दो बोलता है। इन बचपन में क्या करा था, बड़ी मेरी बल्कि खिंडक भाग गया था, याद है जब डब्बा लगे घर के ऊपर जाके खोला था, याद है जब इन बड़ा रहो इन छोटा रहो, अब क्या कर रहा है, इन होशियार होगा, इसको थर्ड स्टेज में आ गया, अब क्या बोल रहा बोलते, को सा भी तो फर्क ही नहीं पड़ता, हौला है उसको दिमाग में, अरे हौले तेरे को भी दिमाग में था जमाने में, याद है, भूल गया याद नहीं है उसको, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन एंड सीरियलाइजेशन भी आता, बच्चों को क्या करते, तरतीब और चीजें जमाते। अब देखो छोटे बच्चों को आप घर में किचन में चीजें जमा बोलते, ये 7 साल के बच्चे तरतीब से जमाते कपड़े भी जमाते, कपड़े धोने का वॉशिंग मशीन से सूखने के बाद आके जमा बेटा बोले तो, बहन के अलग, अम्मी के अलग, अब्बा के अलग, दादी के अलग, नानी के अलग, फूफे के अलग, तह करके इस तरीके का जमा, सीरियलाइजेशन क्लासिफिकेशन कर सकते, कौन से बच्चे कर सकते, ये देखो ये बच्चे को से कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, यानी 7 साल याद रखने का कोड, इसको याद रखने का कोड IRCC, inductive reasoning, reverse of thought, understanding of the principle of conservation, classification and serialization. अच्छा फायदा होगा, आज की क्लास से बहुत अच्छा फायदा होगा ना आप लोगों को? जी सर बहुत ज्यादा। लास्ट बेंच वाले तो बहुत खुश है, हाँ क्या फायदा हुआ, बहुत सबसे अच्छी क्लास आज की दिख रही है। अब कमेंट में मैसेज किया था थोड़ी देर का कट होते यूं, कुछ तो सारे आखिर लास्ट बेंच के है कौन? लास्ट बेंच में कितने बैठे हैं, तीनों बैठे हुए, लास्ट बेंच में तीनों बैठे हुए मेरे को दिख रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं, बहुत कम लोग मैसेजेस दे रहे हैं मेरे को, और बहुत कम लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, सोच रहा मेरे को कोई बात नहीं, खैर मैं तारीफ का भूखा भी नहीं हूँ, ठीक है ना, टीचर हूँ,
देन फोर्थ स्टेज का डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाती है आज। उसके बाद जीन पे आज क्लोज आज को, ठीक है ना? समझ गया ना पूरी चीज़? जरा उर्दू में कम बोलो थोड़ा, आप उर्दू में थोड़ा समझो, किसी का हेल्प ले लो आप। वो कोई महबूब नगर के स्टूडेंट थे, असमा जबीन या कुछ नाम बोले थे ना, हम उर्दू में हेल्प कर दो बोलकर बोले थे, वो हेल्प करो। है उन्होंने महबूब नगर के? चलो ठीक है, नहीं है उन्होंने, थोड़े दिन आए, थोड़े दिन लिखा, हाँ उन्होंने बोले थे उर्दू में मैं हेल्प करती हूँ ये ट्रांसलेशन के लिए बोल के बोले। जी सर, बोले थे सर, बोले थे, पर लापता है उसके बाद, लापता है। चलो कोई बात नहीं। देन ये फोर्थ स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एक नाम है, अब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेज दूसरा नाम है। इसको उर्दू में अगर तर्जुमा करे तो मुजर्रिद तजुर्बात का दौर और मुजर्रिद का फॉर्मल रस्मी तजुर्बात का दौर, चार नाम। वेरी गुड, तस्लीम महबूब नगर के, वेरी गुड, थैंक्स फॉर हेल्प। देखो पेंसिल से एक छोटा नोट लिखा है, तरीके हैं नोट्स बनाने के, नोट्स फेयर करने का, फिर मैं फेयर के अंदर भी मैं रफ लिखा, गौर कर रहे हैं आप, उतना डिटेल में हाँ, ये फेयर नोट्स है मेरे, उसमें फिर छोटा पेंसिल से लिखा दो, ऑल आर हायर लेवल स्कीमास डेवलप होते कहां पर? फोर्थ स्टेज, हायर लेवल स्कीमास, कॉम्प्लेक्स स्कीमास एट दिस स्टेज, बल्कि लिखा देखो। सोचो नोट्स लिखने के बाद फिर कोई बोले तो फिर एक दो जुमले लिख लिया। आपको कल सवाल आता हायर लेवल स्कीमास कौन से स्टेज में डेवलप होते हैं, बोलते क्या लिखना? तो कौन से स्टेज है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पर डेवलप होती है बच्चे की? अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोले तो जाहिर सी बात है मुजर्रिद तसव्वुर बच्चा यहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को समझता, सिंबलिज्म समझता, प्रोसेस ऑफ थॉट लर्न, डीलिंग विद अब्स्ट्रैक्शन बाय लॉजिकल थिंकिंग, एक से दूसरे को रिलेशन करके क्रिएट करके बच्चा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करता। ट्रिग्नोमेट्री बोलो, अल्जेब्रा बोलो तो दिल नहीं घबराता उसका, ठीक है ना? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी डेवलप हो जाती। हमें आपको पहले ही बता दिया, ये देखो हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज, ये बताया ना जी मैं कहाँ गया, ये देखो ये जितने भी हायर ऑर्डर कॉग्निटिव एबिलिटीज है ये पूरे डेवलप है। इसके लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना, नहीं लेफ्ट ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेज की बात कर रहा हूँ। फोर्थ स्टेज फॉर्मर ऑपरेशन स्टेज में ये सारे खूबियां आ जाते हैं बच्चे के पास। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, पूरे आ जाते हैं उसके पास, हाँ पूरे सलाह आते डेवलप है, ठीक है ना? कौन सा स्टेज है? फोर्थ स्टेज है। कौन सा फोर्थ स्टेज? प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आती है, बच्चा क्या करता है मसले के कई हल निकालता, ठीक है ना? और यहाँ कुछ लिखा हुआ था जी, ये क्या है लोअर लेवल, क्या है कि मेरे पास मेरी मेन बुक में हायर लेवल स्कीमा है कहती है, हाइपोथेसिस क्या है कहते हैं हायर लेवल स्कीमा है कहते हैं। हाइपोथेसिस कुछ भी नहीं है, एक किस्म का क्या है बोले तो सिस्टमेटिक अजम्पशन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है ना? आज गर्मी हो रही, बारिश हो सकती, नहीं हो सकती, इज कॉल्ड हाइपोथेसिस, टेंटेटिव आंसर। चाइल्ड फ्रेम्स हाइपोथेसिस, फ्रेमिंग हाइपोथेसिस, कौन से सब्जेक्ट में एकेडमिक स्टैंडर्ड है कोई बता सकता है? मफरूजा कायम करना, कौन से मैथ्स का तालीम टीवीएस मैथ्स में फॉर्मूले हाइपोथेसिस फ्रेम करना, ठीक है? तो देखना एकेडमिक स्टैंडर्ड ये जो होते हैं टेक्स्ट बुक में, उसमें देखना ईवीएस साइंस में और मैथ्स में फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस देता, फिजिक्स में भी है, साइंस में। देन द चाइल्ड टेस्ट द हाइपोथेसिस टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, वो जो हाइपोथेसिस को टेस्ट करता बच्चा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, वेदर इट इज डिपेंडेंट, इसका कोई रिलेशन है या नहीं है, बल्कि क्या करता टेस्ट करता टेस्ट करके माय हाइपोथेसिस ट्रू और फॉल्स बल्कि बोलता, ट्रू बोलता या ना तो फॉल्स बोलता, उसका जो ख्याल होता वो सही हो सकता या गलत हो सकता, टेस्ट करता बच्चा यहाँ पर, जांचता उसको, ठीक है ना? डिडक्टिव रीजनिंग भी डेवलप हो जाती। देखो डिडक्टिव रीजनिंग फोर्थ स्टेज में, तो इंडक्टिव रीजनिंग कौन से स्टेज में, जल्दी बोलना? थर्ड स्टेज में, नहीं भूलना डिडक्टिव रीजनिंग। एट दिस स्टेज चाइल्ड इज कैपेबल ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, टाइम खत्म हो जा रहा, थिंकिंग फ्रॉम अब्स्ट्रैक्ट टू Abstract to concrete है, abstract है, एक ख्याल है, एक 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 उसूल है, एक नजरिया है, abstract है, आपको नहीं मालूम। अब वो सही है गलत है बोलते क्या करना, जांच लेते नीचे आना। तो ये बड़ी यानी ये हायर स्कीमा है, लोअर स्कीमा है, बड़े लोग कर सकते हैं, छोटे लोग कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये फोर्थ स्टेज की चीजों को याद रखने का कोड क्या है हमारे पास, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, आजा आजा। पीएचडी,
बच्चे में पी एच डी बोलते पागल हवला दीवाना नहीं होता, पी बोलते प्रॉब्लम सॉल्विंग, एच बोलते हाइपोथेसिस, डी बोलते डिडक्टिव रीजनिंग डेवलप होती, प्रॉब्लम सॉल्विंग हल करता, हाइपोथेसिस बोलते मफरूजा कायम कर सकता बच्चा, और डिडक्ट पूरा देखो साइंटिफिक है, पूरा पूरा साइंटिफिक है बच्चा, यहाँ पर कोई छोटे स्कीमा इसके पास नहीं है। और आपके लिए बेस्ट ये आज मैं बैठ के बनाया, आंखें दुख रहे हैं मेरे को, काम है घर में, सब लोग तैयार होकर पीछे रेडी है, जंग जाके देख रहे हैं, फंक्शन को जाना है, ज्यादा हो तो कटकड़े तो लगा के देख लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए ये, इसकी प्रैक्टिस करो आप लोग, बार बार उतारो इस डायग्राम, ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए इस्तेखराई बोलते इंग्लिश में, इंडक्टिव रीजनिंग, इस्तेखराई बोलते इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है ना, ये इंडक्टिव रीजनिंग इजी है बच्चों को, इंडक्टिव रीजनिंग आप ऊटी शिमला दार्जिलिंग फिर के एक बात को फिक्स कर सकते हैं, रिसर्च आपका पेश कर सकते हैं, मगर तयशुदा एक साइंटिफिक एक रिसर्च है वो सही है गलत है फिर करना पड़ता, रिवर्स में जाना पड़ता, रिवर्स में जाना पड़ता तो आसान नहीं है, बहुत उल्टा जाना पड़ता, बहुत टाइम लगता, ठीक है ना, इसलिए देखो क्या देखो आप ये बड़ा डब्बा है ऊपर, ये डब्बे घटते 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 क्या होगा आखिर में डब्बा इंडक्टिव में एक एक यूनिट, फर्स्ट यूनिट सेकंड थर्ड यूनिट फोर्थ यूनिट, फर्स्ट यूनिट क्या है ऊटी, सेकंड यूनिट शिमला, थर्ड यूनिट दार्जिलिंग, फोर्थ यूनिट, इस तरह से करके 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 सबका डाटा एक जगह करके स्टेटमेंट देते क्या बोल के, एज द हाइट इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस, hence there is a inverse relation between उल्टा रिश्ता है, उल्टा उल्टा रिश्ता है, जिद का रिश्ता है, खिलाफ का रिश्ता है, किसके किसके बीच में, ऊंचाई और दर्जे हरारत में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशन उर्दू में क्या बोलते हैं, ये प्राइस डिमांड पड़ता है देखते पर, देर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये कीमत अगर बढ़ गई तो डिमांड क्या होता, कम होता, कीमत अगर कम बढ़ गई तो उसका तलब क्या होता है, डिमांड बढ़ जाता है, रिश्ता है इनवर्स रिलेशन, क्या बोलते जी इनवर्स रिलेशन, मुखालिफ मुखालिफ रिश्ता, ठीक है क्या है, राइट, ये देखो ये भी डायग्राम याद रखो, इंडक्टिव रीजनिंग बोलते क्या हो रहा है, जनरल कुछ क्या कर रहे हैं आप ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे हैं, डिडक्टिव में क्या हो रहा है, जनरल से क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, हाइपोथेटिक केस है ये, समझ रहे हैं बात, इंडक्टिव में हाइपोथेटिक नहीं है, यहाँ पर डिडक्टिव में हाइपोथेटिकल है, लॉजिकल एक्सटेंशन है, अप्लीकेशन है उसका, सही है गलत है पूरा चेक कर, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन पास्ट एक्सपीरियंस आइडियाज पूरों को जमा करके क्या करते, जनरलाइज करते, इंडक्टिव रीजनिंग में क्या करते आप एक 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 एक, एक जमा करके जनरलाइज आइडिया बनाते, डिडक्टिव रीजनिंग में क्या करते हैं, टॉप डाउन रीजनिंग बोलते हैं, आपको कल एग्जाम में कल आ सकता, टॉप डाउन रीजनिंग मींस इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, नथिंग बोल के देता, तो क्या टिक करना, टॉप डाउन रीजनिंग बोल के याद रख ले सर, टॉप डाउन रीजनिंग, टॉप डाउन रीजनिंग क्या है, इसमें ऊपर से नीचे वाली रीजनिंग होती है, डिडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग, और हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है बोले तो, एक मसले को क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, मैं समझता हूं यू नो एएचपीएस वाले सेकंड में कर रहे हैं, समझते हैं आप, रिसर्च पेपर था ना आपको शाहिन जी सर, था सर, हां आप लोग करें ना ये हाइपोथेटिक ये प्रॉब्लम सॉल्व जी सर, आइडेंटिफाई करते प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई, हां उसको क्या करते फिर डिफाइन करते, उसके बाद फिर क्या करते हाइपोथेसिस फ्रेम करते, और हाइपोथेसिस दो किस्म का रहता, टेस्टेबल भी रहता, फॉल्सिफाइबल भी रहता, उसके बाद क्या करते उसको मेजर करते, मेजर करना होता डाटा कलेक्शन, ठीक है ना, मेजर करते उसके उसके वो बनाते क्या बनाते टेम्पलेट्स बनाते, उसके क्वेश्चनेयर बनाते, उसको भी डाटा कलेक्ट करते, और डाटा को क्या करते आप एनालाइज करते, एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट करते, कंक्लूजन देते, रिसर्च प्रेजेंट करते, आपके थीसिस को सबमिट करते, एमएड का, एमएस साइकोलॉजी का, पीएचडी का, इसको कोसा मेथड बोलते, इसको हाइपोथेटिको डिडक्टिव मेथड बोलते, तो आपको कल क्वेश्चन आता हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग कौन से स्टेज में डेवलप होता जीन पियाजे के नजरिए में, बोल के आता, तो क्या बोलना, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है ना, अम्मा खत्म होगा मेरे हिसाब से, तो अब आप पूछे तो आप सवाल जाने तो मैं आपको सवाल पूछ सकता हूँ, या पूछे सर, बोलिए
एक हाँ बोलिए सर, ये नकली सोच का एक एग्जांपल दे सकते हैं सर आप? ये नकली सोच, एक हाँ नकली एग्जांपल सोच, वो कोई कोई मतलब ही नहीं रहता, ऐसी सोच सोचते रहता हूँ। नकली सोच को मैं उर्दू में इंग्लिश में क्या क्या बोलते बोलते कुछ भी घर बना लिए सर। क्लास रिकॉर्ड करना भूल गए? नहीं नहीं हो रही, रिकॉर्ड हो रही। बच्चा कैसा सोचता बोलते हो, सही रहो या गलत रहो सोचते रहता हूँ, सही है कि गलत है नहीं मालूम, कुछ तो एक सोच आता है, कुछ तो एक थिंकिंग आती है, कुछ तो एक थिंकिंग आती है, सही है गलत है बाद में, सही गलत आप कब फैसला कर सकते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करके आप रिसर्च पूरा करके, हाँ ये सही है मुझे मुखामत पे दर्जे कम हो रही, बल्कि आप ऐसा टेस्ट करके फाइनल करके सही को पेश करते ना, वहां उन्हें क्या करता बोले तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव सॉरी ट्रांसलेटिव थिंकिंग में क्या करता बच्चा बोले तो, सही है या गलत है उसको नहीं मालूम, सही है कि गलत है कि वो सही रहो या गलत रहो, बस सोच जारी रहती। अब मिसाल के तौर पे देखो, मिसाल के तौर पे क्या हो सकता बोले तो, एक बच्चा क्या कर रहा बोले तो, वो हालांकि सच नहीं है मगर वो सच है समझ के बच्चा तसव्वुर कर रहा, जैसा कि एक सोच रहा बच्चा, कुछ भी एक सोच ले रहा हालांकि सच नहीं है, वो क्या सोच रहा बच्चा बोले तो, अम्मी बोले उनके क्या बोल के बोले तो, ये 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 जो चांद ग्रहण सूरज ग्रहण जो है ना, चांद ग्रहण या तो चांद ग्रहण के टाइम चांद आधा कट गया, कहीं को कट गया बोले तो, चांद खर्जा था कहते किसके पास, सूरज के पास खर्जा लिया, खर्जा लिया तो खर्जा नहीं दिया कहते उसको, खर्जा नहीं दिया तो सूरज क्या कर रहा कहते उसको, बड़ा सांप बन के आके सूरज को निगल ले रहा कहते, निगल लेने से क्या हो रहा बोले तो, चांद कट जा रहा कहते, कट 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 जा रहा, सोच रहा बच्चा सही है वो जी सर, सही है बेबुनियादी सोच सर जी सर, सही है बेबुनियादी सोच रॉन्ग है, मगर बच्चा क्या कर रहा सही समझ के सोच रहा, सुनो सही समझ के सोच रहा, सही गलत को सही समझ के सोच रहा, जबकि जबकि इसकी मीनिंग क्या है बोलते, नाइदर इट इज इंडक्टिव नाइदर नॉर इट इज डिडक्टिव, यस सर, आप इंडक्टिव रीजनिंग से प्रूव नहीं कर सकते ये हिस्सा, ये सांप का और खरजे का डिडक्टिव रीजनिंग से प्रूव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तो कौन सा डिडक्टिव बोलते हैं इसको, कौन सा थिंकिंग बोलते हैं इसको, ट्रांस डिडक्टिव थिंकिंग बोलते हैं, ट्रांस डिडक्टिव थिंकिंग, समझ में आया, शुक्रिया सर जी सर जी सर, शुक्रिया शुक्रिया, बोलते नहीं बोलते बोलते इंतजार में था, मैं नहीं बोलता, कमेंट करने वाला था सर, जज़ाकअल्लाह सर, नहीं नहीं बोलते सर, राइट, एनी डाउट, एनी डाउट, नो डाउट सर, ऑलवेज योर क्लियर सर, राइट, तो देखिए आज हम राइट वन सेकंड रिकैप कर दे रहा हूं, फास्ट में रिकैप कर दे रहा हूं, हम देखिए जीन पियाजे का नजरिया, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के 1896 में पैदा हुए, उसी वक्त उसी दौर में वेगर्स की पैदा हुए, इनके पेश करदा नजरिए में कितने स्टेजेस है बोला मैं, चार स्टेजेस, चार स्टेजेस याद रखना, और एक एक स्टेज की खूबी को याद रखना, क्वींग फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज सीट, थर्ड स्टेज आईआरसीसी, फोर्थ स्टेज में पीएचडी, एब्स्ट्रैक्ट पीएचडी, आपके कमेंट्स यूट्यूब पे दीजिए, ग्रुप्स में दीजिए, और वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरे फ्रेंड्स तक भी मेरा इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, और हमारे लिए दुआ कीजिए, और ठीक है ना, शायद एक मिनट में हमारी क्लास खत्म हो गई, फायदा हुआ नहीं हुआ, फायदा हुआ वाले हाथ उठाओ, यूं बोलो, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, प्याजे का कल हो गया सर, जीन प्याजे के तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, तीन क्वेश्चन आ रहे हैं, जीन प्याजे के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, तीन।